हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों से के खोजकर्ता। जी हाँ, तो विद्युत चुंबकीय तरंग एवं उनके खोजकर्ता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी फोर्सेस वन रक्षी इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो हमारे सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, हो सकता है इस वीडियो का कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाए। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, और अगर लगता है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक करंट। जी हाँ, तो ईएमसी। जी हाँ, तो ईएमसी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक करंट। जी हाँ दोस्तों, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखा जा रहा है कि गामा किरणें। जी हाँ दोस्तों, तो गामा किरणें की खोज किसने की? तो गामा किरणों की खोज जो है बैक वेरल ने की। जी हाँ दोस्तों, गामा किरण की खोज जो है वो बैक वेरल ने की थी। इसी के साथ देखेंगे अगला किरण। तो अगला किरण जो है, अगला चुंबकीय तरंग जो है वो है एक्स किरणें। जी हाँ दोस्तों, एक्स किरणें। तो एक्स किरणें की खोज जो है वो रोंटजेन ने की थी। जी हाँ दोस्तों, एक्स किरणें की खोज रोंटजेन ने की थी। इसी के साथ देखेंगे अगला किरण। तो अगला किरण है हमारा पराबैंगनी। जी हाँ दोस्तों, पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी किरण की खोज जो है वो रिटर महोदय ने की थी। जी हाँ दोस्तों, पराबैंगनी किरण की खोज जो है वो रिटर महोदय ने की थी। इसी के साथ देखेंगे अगला किरण यानी कि अगला तरंग। तो अगला तरंग जो है वो दृश्य विकिरण है। जी हाँ दोस्तों, दृश्य विकिरण। तो दृश्य विकिरण की खोज जो है वो न्यूटन ने करी थी। जी हाँ दोस्तों, दृश्य विकिरण की खोज जो है वो न्यूटन ने करी थी। इसी के साथ देखेंगे अगला। तो अगला हमारा बोला जा रहा है अवरक्त विकिरण। जी हाँ दोस्तों, अवरक्त विकिरण। तो अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? तो अवरक्त विकिरण की खोज जो है वो हर्सेल ने की थी। जी हाँ दोस्तों, हर्सेल ने की थी। अवरक्त विकिरण की खोज हर्सेल ने करी थी। इसी के साथ देखेंगे अगला तरंग। तो अगला तरंग जो है वो लघु रेडियो तरंग है। जी हाँ दोस्तों, लघु रेडियो तरंग। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लघु रेडियो तरंग। तो लघु रेडियो तरंगे की खोज जो है वो हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। जी हाँ दोस्तों, हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारा बार बार पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, लघु रेडियो और दीर्घ रेडियो। तो लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। और दीर्घ रेडियो तरंग। जी हाँ दोस्तों, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज जो है वो मार्कोनी ने की थी। जी हाँ दोस्तों, दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने करी थी। तो दोस्तों, एक बार फिर से ऊपर से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो और ना ही कोई गलती हो। तो ऊपर से फिर से देखते हैं। तो गामा किरण की खोज करता बैक वेरल, एक्स किरण की खोज करता रोंटजेन, पराबैंगनी किरण की खोज करता रिटर, दृश्य विकिरण की खोज करता न्यूटन, अवरक्त विकिरण की खोज करता हर्सले, लघु रेडियो तरंगे की खोज करता हेनरिक हर्ट्ज और दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज करता मार्कोनी। जी हाँ दोस्तों, दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज करता मार्कोनी है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। और साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो हमारे सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कोई सूचना, सुझाव या फिर शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।